हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंडरवर्ल्ड एवोल्यूशन। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, और जहां पर यह दिखाया जाता है कि दो भाई, एक का नाम मार्कस होता है और दूसरे का नाम विलियम, और ये दोनों भाई अमर होते हैं। इनके पिता का नाम अलेक्जेंडर होता है। मार्कस को पिशाच काटते हैं और वो वैम्पायर बन जाता है, और उसके भाई विलियम को भेड़िया काटते हैं और वो इस दुनिया का पहला लाइकन यानी कि पहला सबसे शक्तिशाली भेड़िया बन जाता है, और विलियम कई गांव में जाकर उन लोगों को मारता है। ये बात होती है सन 1202 एडी की, जब विक्टर, मार्कस और एमिलिया एक गांव पहुंचते हैं और वो पूरा गांव जल रहा होता है क्योंकि विलियम ने उस गांव के सारे लोगों को मार दिया होता है। विक्टर बोलता है कि एक बार फिर हम तबाही के बाद पहुंचे, और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि यहां पर जितने भी लोग मरे हुए हैं, इससे पहले कि ये सब के सब भेड़िया बन जाए, इन सबको जला दो, और उसके लोग उन सबको जलाना शुरू कर देते हैं। विलियम ने यहाँ के सारे लोगों को मारा है और विलियम अभी भी यहाँ पर होता है, और ये मार्कस के जुड़वा भाई विलियम को पकड़ लेते हैं और ये उसे मारना चाहते हैं, लेकिन मार्कस मना करता है और विक्टर बोलता है कि हम इसे आजीवन कारावास देंगे, यानी कि ये हमेशा कैद में रहेगा, और वो विलियम को हमेशा हमेशा के लिए एक सीक्रेट जगह पर कैद कर देते हैं। अब मार्कस का भाई विलियम कैद है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है कि सलीन ने विक्टर को मार दिया है और अब मार्कस जागेगा, और जब मार्कस को यह पता चलेगा कि विक्टर मर चुका है तो वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। सलीन चाहती है कि विक्टर को जगा दे क्योंकि वो जानती है कि क्रेवन यहां से भाग चुका है, और वो मार्कस को मारने की कोशिश करेगा क्योंकि मार्कस बहुत ताकतवर है और वो अभी नींद में है, और क्रेवन सिर्फ उसे नींद में मार सकता है क्योंकि एक बार अगर मार्कस जाग गया तो उसे मारना नामुमकिन है। इसीलिए सलीन चाहती है कि मैं उसे जगा दूं और सब कुछ सच सच बता दूं कि कैसे क्रेवन ने उन्हें धोखा दिया, कैसे विक्टर गलत था। लेकिन क्रेवन वहां तक पहुंच जाता है जहां पर मार्कस सोया होता है, और वो उसके ताबूत को जमीन से बाहर निकालता है, और जब उसे खोलता है तो वो देखता है कि मार्कस वहां पर होता ही नहीं है। दरअसल मार्कस पहले जाग गया होता है, और जब वो उसके रक्त को चखता है तो उसको उसकी यादों से सारे विजन्स आ जाते हैं, और वो समझ जाता है कि क्रेवन ने धोखा दिया है और विक्टर को सलीन ने मारा है। मार्कस क्रेवन को मार देता है, और अब वो सलीन की और माइकल की खोज में निकल पड़ता है। वहीं सलीन और माइकल विक्टर को मारने के बाद एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। सलीन माइकल को वहां पर छोड़कर चली जाती है। वो कहती है मुझे मार्कस के पास जाना होगा और उसे सब कुछ सच बताना होगा। हालांकि माइकल भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन सलीन उसे बोलती है कि तुम अपनी जाति के पहले हो और तुम्हारी शक्तियां असीम हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा, तुम मार्कस का मुकाबला अभी नहीं कर सकते। इसीलिए वो माइकल को वहां पर अकेले छोड़कर मार्कस से मिलने चली जाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मार्कस जाग चुका है और वो उन्हीं की तलाश में आ रहा है। और जब सलीन रास्ते में होती है तो उसे एहसास होता है कि मार्कस आसपास है, और अब वो किसी भी हालत में माइकल के पास पहुंचना चाहती है। माइकल वहां रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और उसे इंसानों का खाना नहीं पसता, और उस खाने को खाने के बाद उसे वॉमिट होना शुरू हो जाती है। वहां पर पुलिस वाले भी होते हैं और वो देखते हैं कि जो इंसान वॉमिट कर रहा है उसकी न्यूज टीवी पर आ रही है, और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लेकिन माइकल वहां से भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है, और अब सलीन भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन सलीन उन सब का पीछा करके उन सबको बेहोश कर देती है। वो देखते हैं कि माइकल की हालत खराब है क्योंकि उसे कई गोलियां लगी होती है, और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें मेरा रक्त पीना होगा तभी तुम ठीक हो सकते हो, और माइकल उसका रक्त पीता है और वो ठीक हो जाता है। अब वहां पर मार्कस भी आ जाता है। सलीन मार्कस को क्रेवन और विक्टर के बारे में बताती है। मार्कस कहता है कि क्रेवन को उसकी सजा मिल चुकी है, और जो विक्टर के साथ हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इसके बाद वो सलीन का रक्त चखना चाहता है ताकि वो उसकी यादों को जान सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे काटता, माइकल उस पर कई गोलियां चलाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में सलीन और माइकल एक ट्रक वाले से उसका ट्रक छीनकर वहां से आगे निकलते हैं, और अब इन दोनों का पीछा मार्कस कर रहा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, और वो इन पर कई हमले करता है, लेकिन वो वहां से बचने में कामयाब हो जाते हैं। और जब वो ट्रक से आगे जा रहे होते हैं तभी सुबह हो जाती है, और दिन के उजाले में सलीन यानी कि वैम्पायर्स नहीं घूम सकते, और जैसे उसके हाथों में सूरज की किरणें पड़ती है उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। लेकिन माइकल उसे नीचे छुपाकर वो उस ट्रक को एक घर के अंदर ले जाता है और उसे चारों तरफ से बंद कर देता है। हालांकि सूरज की किरणों की वजह से सलीन की स्किन जल चुकी होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। माइकल सलीन को बताता है कि मार्कस मुझसे उस ताबीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो मैंने लूसियन के गले से निकाला था। दरअसल ये ताबीज विक्टर की बेटी का होता है जो लूसियन के पास होता है, और अब ये ताबीज माइकल के पास है। सलीन बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम लॉरेंस है, वो उस जगह से विक्टर की बॉडी लेकर आता है जहां पर सलीन ने उसे मारा होता है, और वो उसकी बॉडी से एक मेटल की डिस्क निकालता है, और ये डिस्क उस ताबीज का जोड़ा होती है जो अभी माइकल के पास है, और वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों आदमियों को उनकी तलाश के लिए भेजता है और वो उनकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। वहीं सलीन जब उस ताबीज को उठाती है जो माइकल के पास होता है, तो उसके बीच में एक बटन होता है और जब उसे दबाती है तो चारों तरफ से कुछ खुल जाता है और वो उसे उसकी बचपन की यादों में ले जाता है और वो देखती है कि बचपन में उसके हाथ में यही ताबीज होता है। दरअसल उसे विजन्स आते हैं लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो माइकल को बोलते कि एक आदमी हमें इसके बारे में सब कुछ बता सकता है, वो वैम्पायर जाति का इतिहासकार है, और ये दोनों उससे मिलने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। सलीन और माइकल उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो इंसान है जो वैम्पायर्स और भेड़ियों का पूरा इतिहास जानता है। यहां पर इन दोनों पर भेड़ी भी हमला करते हैं और ये उन सबको मारकर उस इतिहासकार तक पहुंच जाते हैं। माइकल पूछता है कि मार्कस इस लॉकेट को क्यों हासिल करना चाहता है, हालांकि वो इन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे इन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। वो सलीन को बताता है कि विक्टर पहला वैम्पायर नहीं था, जैसा कि तुम जानती हो, वो पहला मानव था जो इस इलाके पर राज करता था, पर मार्कस इस दुनिया का पहला वैम्पायर था, और जब विक्टर मर रहा था तब मार्कस ने उसके साथ एक सौदा किया। उसने विक्टर को अमर बना दिया, पर बदले में विक्टर को मार्कस की मदद करनी थी भेड़ियों को हराने के लिए। मार्कस का भाई विलियम, जो कि पहला भेड़िया था, उसने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। उस वक्त भेड़िये इंसान का रूप नहीं ले पाते थे, वो खूंखार राक्षस थे। विलियम की तबाही को रोकने के लिए विक्टर की सेना ने भेड़ियों को मारा और मार्कस के भाई विलियम को हमेशा के लिए कैद कर दिया। विक्टर को यह भी बताया गया कि अगर मार्कस मारा गया तो सारे वैम्पायर्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए मार्कस की हिफाजत की गई। हालांकि ये झूठ था। वो बताता है कि अलेक्जेंडर कॉर्निवोस के तीन बेटे थे, मार्कस जो कि पहला वैम्पायर बना, विलियम जो पहला भेड़िया बना, और तीसरा बेटा इंसानी था और उसके वंशज अमर नहीं थे, और माइकल जो कि सलीन के साथ है वो उन्हीं के वंश का है जो अब पहला वैम्पायर और भेड़िया है। यानी माइकल मार्कस के भाई के वंश का ही सदस्य है। वो इन्हें विलियम की कैद भी दिखाता है और बताता है कि ये सलीन तुम्हारे पिता ने बनाई थी, और सलीन को समझ आ जाता है कि उसके परिवार को विक्टर ने क्यों मारा था, क्योंकि वो उस जगह का पता जानते थे जहां पर विलियम कैद है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि ये लॉकेट विलियम की कैद की चाबी है, और जहां पर विलियम कैद है वहां का रास्ता सिर्फ तुम ही जानती हो। विक्टर ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे लगता था कि एक छोटी बच्ची ये सब क्या याद रखेगी, पर मार्कस जानता है कि तुम्हारी यादों की गहराई में उस जगह का रास्ता आज भी छुपा हुआ है जो कि तुम्हारे रक्त में है। माइकल पूछता है कि मार्कस उस जगह को इतने सालों के बाद क्यों ढूंढ रहा है। वो इतिहासकार बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हें सब कुछ बता सकता है, और वो इन दोनों को उस आदमी का पता बताता है, और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद वहां पर मार्कस आता है और वो इस इतिहासकार के जरिए ये पता लगा लेता है कि अभी सलीन और माइकल कहां है, और वो भी उनके पीछे उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। अब सलीन और माइकल उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्हें उस इतिहासकार ने भेजा है। वहां पहुंचकर ये उस आदमी से मिलते हैं जिसने विक्टर की बॉडी से उस डिस्क को निकाला था, यानी उस लॉकेट का हिस्सा जो अभी माइकल के पास है। और जब सलीन उस आदमी की अंगूठी देखती है तो वो समझ जाती है कि ये अलेक्जेंडर कॉर्निवोस है, यानी मार्कस और विलियम का पिता और माइकल का परदादा। सलीन कहती है कि आप अलेक्जेंडर कॉर्निवोस हैं। वो कहता है कि मुझे लोग कभी इस नाम से जानते थे पर अब नहीं। वो बताता है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहता था। सलीन कहती है कि आप जानते हैं कि मार्कस क्या करना चाहता है, अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो समझो उसने विलियम को ढूंढ लिया, आप हमारी मदद करो। अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं अपने ही बेटे को मारने में तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम खुद भी एक मौत की सौदागर हो, अपने परिवार का बदला लेने के लिए तुमने छठी शताब्दी में न जाने कितने लोगों को मारा था, इसलिए मार्कस विलियम और तुम में कोई फर्क नहीं है। सलीन कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया उस सब के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने कभी कबूल ही नहीं किया कि आपके बेटे राक्षस हैं और वो राक्षस बनाते हैं, और आप ये सब रोक सकते थे। आप जानते हैं कि विलियम ने कैद होने से पहले कितनी तबाही मचाई थी, उसे आजाद नहीं किया जा सकता। तभी वहां पर गोलियों की आवाज आती है क्योंकि वहां पर मार्कस पहुंच चुका होता है, और मार्कस और माइकल के बीच में लड़ाई होती है और वो माइकल को मारकर लॉकेट हासिल कर लेता है। इसी बीच सलीन भी मार्कस पर गोलियां चलाती है, पर मार्कस उसे अपने नुकीले पंखों से जकड़ लेता है और उसके रक्त से उस जगह का पता लगा लेता है जहां पर विलियम कैद है। पर इससे पहले कि वो सलीन को मारता, उसके हाथ में गन आ जाती है और वो मार्कस पर कई गोलियां चलाती है और मार्कस वहां से भाग जाता है। सलीन माइकल को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है
और मार्कस अपने पिता अलेक्जेंडर के पास जाता है, जिनके पास चाबी का दूसरा हिस्सा है जो उन्होंने विक्टर की बॉडी से निकाला था। मार्कस कहता है कि मुझे चाबी का दूसरा हिस्सा दे दो, लेकिन अलेक्जेंडर उसे नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि तुम अपने भाई विलियम को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्कस कहता है कि अब मैं बहुत ताकतवर हूं और मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं, आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अलेक्जेंडर बोलता है कि तुम गलत हो, जल्दी यहां पर चारों तरफ भेड़िए होंगे और तुम उनको काबू नहीं कर पाओगे। मार्कस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ना अब भेड़िए होंगे ना वैम्पायर, अब एक नई प्रजाति की शुरुआत होगी और उन सब का ईश्वर मैं हूंगा। और वो अपने पिता से चाबी मांगता है, उसके पिता उसे चाबी नहीं देना चाहते, लेकिन वो उन्हें मारकर उनसे चाबी का दूसरा हिस्सा लेकर वहां से निकल जाता है। और अब अलेक्जेंडर मर रहे होते हैं, तभी वहां पर सलीन आ जाती है और अलेक्जेंडर सलीन को बोलते हैं कि तुम मेरे हाथ से मेरा रक्त पी लो, तभी तुम और ताकतवर हो सकती हो और तुम मार्कस का सामना कर सकती हो। और सलीन को ऐसा करना पड़ता है और इसके बाद अलेक्जेंडर मर जाते हैं। और सलीन वहां से अलेक्जेंडर के कुछ लोगों के साथ उस जगह की तरफ निकल जाती है जहां पर मार्कस गया है। मार्कस उस जगह पहुंच जाता है जहां पर विलियम है और वो उसकी कैद का दरवाजा खोल देता है। उसका भाई विलियम पूरी तरह से भेड़िया है और उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन मार्कस उसे रोकता है। वो बोलता है कि हम अब भी भाई हैं और तुम पर हमला करने का मतलब है, तुम पर चोट पहुंचाने का मतलब है कि खुद पर चोट पहुंचाना। और उसका भाई रुक जाता है। तभी ये दिखाते हैं कि वहां पर सलीन और उसके लोग भी पहुंच जाते हैं और वो पानी के नीचे से होते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर अब मार्कस और विलियम है। और जब सलीन अंदर जाती है तो उसे दरवाजे पर वही चाबी मिलती है जो अभी मार्कस उनसे छीन कर गया था, और वो उस चाबी को अपने पास रख लेती है। तभी उसके सामने मार्कस आ जाता है और मार्कस और उसके बीच में लड़ाई होती है। उसने अलेक्जेंडर का रक्त पिया है इसलिए उसकी ताकत अब पहले से थोड़ा ज्यादा हो गई है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक पल ऐसा आता है जब सलीन उस दरवाजे पे चाबी लगाकर उस दरवाजे को बंद कर देती है जो अभी कुछ देर पहले मार्कस ने खोला था। और दरवाजे की दूसरी तरफ अब मार्कस फंस चुका है, वो वहां से निकल नहीं सकता और सलीन वहां से निकल जाती है। लेकिन विलियम जो कि पूरी तरह से भेड़िया है अभी भी वो बाहर होता है और वो सलीन के लोगों को मारना शुरू कर देता है। और जब वो सलीन के सामने आता है तो सलीन उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। पर जब सलीन उसे मारने के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट करती है तो वो वहां से भाग जाता है। लेकिन विलियम ने जितने भी लोगों को यहां पर अपने दांतों से काटा होता है अब वो सब के सब भेड़िए बनना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग अभी तक सलीन की रक्षा कर रहे थे अब उसे मारना चाहते हैं और वो अब अपने ही लोगों से लड़ रही होती है और गोलियां चला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर में माइकल की डेड बॉडी होती है, उसमें हलचल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो भेड़ियों और वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर है और अपनी प्रजाति का वो पहला इंसान है। यहाँ पर सलीन उन सबको मार देती है जो भेड़िए बन रहे होते हैं और अब उसके सामने विलियम होता है और वो विलियम पर लगातार गोलियां चला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मार्कस जो दीवार के पीछे फंसा हुआ है वो किसी तरह से उस दीवार को उठा लेता है और अब वो दीवार के इस तरफ आ चुका है और अब सलीन को इन दोनों का मुकाबला करना है, मार्कस का और विलियम का। लेकिन तभी वहां पर माइकल आ जाता है और वो विलियम से लड़ना शुरू कर देता है और ऊपर मार्कस के बीच में और सलीन के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन सलीन जहां पहले मार्कस के सामने बहुत कमजोर थी अब वो उसका पूरी तरह से मुकाबला कर रही होती है। और नीचे जब विलियम और माइकल के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो माइकल विलियम को मार देता है। ये देखकर मार्कस को बहुत दुख होता है और तभी वो अपना नुकीला पंख सलीन के शरीर के आर पार कर देता है और उसे कहता है कि विक्टर ने गलती की, उसे तुम्हें बचपन में मार देना चाहिए था। लेकिन सलीन उसका वो नुकीला पंख तोड़कर उसे अपने शरीर से निकालकर उसकी गर्दन के आर पार कर देती है और इस तरह से मार्कस का खात्मा हो जाता है। और अब विलियम, मार्कस, विक्टर सब मर चुके हैं और केवल सलीन और माइकल बचे हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तभी यह दिखाया जाता है कि सलीन के हाथ में सूरज की एक किरण पड़ती है लेकिन उससे उसकी त्वचा नहीं जलती जैसा कि पहले होता था और यह ताकत उसे अलेक्जेंडर के रक्त से मिली होती है, यानी कि सलीन अब दिन में भी कहीं भी जा सकती है। और अब इन दोनों के आगे एक नई मंजिल है, एक नई शुरुआत है, लेकिन रास्ता इन्हें अभी भी नहीं पता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपने इस मूवी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।